हेलो एवरीवन, एनबीसी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ तबस्सुम और आज हम बात करेंगे शिक्षा के कुछ ऐसे अहम पहलुओं पे जो हमारे जीवन की आधारशिला है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर डीके भावसर, जो कि मिनिस्ट्री एचआरडी ऑफ इंडिया के फॉर्मल एजुकेशन एडवाइज़र हैं। हाय सर। हेलो। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहा है? सो फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन, I was in the Ministry of Human Resource Development for last 25 years. Okay. So I was associated with formulating so many schemes and programs, जैसे midday meal. Yeah. Midday meal scheme बनी थी, तो midday meal scheme का मतलब main objective ये था कि बच्चों को school तक लाया जाए, especially जो poor बच्चे हैं, तो एक टाइम उनको भोजन स्कूल में मिलेगा। तो गांवों में, विलेजेस में और इवन की सिटीज़ में भी कुछ इस प्रकार के एरियाज़ हैं जो स्लम एरिया है, जहां पर पुअर पॉपुलेशन है, तो वो अपने बच्चों को एटलीस्ट स्कूल भेजेंगे, बच्चों को भी मिलेगा। और स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये था कि बच्चों को न्यूट्रिशन मिले, फुल फ्लेज्ड उसमें लंच नहीं मिलता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट है। लेकिन जनरल धारणा ये है, जनरल कंसेप्शन ये है कि बच्चों को लंच दिया जाता है, अच्छा, बच्चा लंच अपने साथ ला सकता है, ये एडिशनल है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट है कि उसको यदि घर से जो भोजन लाता है उससे पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो उसको एडिशनल सपोर्ट दिया जाता है और वो स्कूल में बच्चा रुके पढ़े, एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेशन में कि मुझे लंच मिलेगा स्कूल में। तो MDM स्कीम हमने बनाया जिससे मैं एसोसिएट था कि स्कीम के क्या पैरामीटर्स होते हैं, फाइनेंशियल पैरामीटर्स और फिजिकल पैरामीटर्स। ओके, कि इसमें किसी, चूँकि हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप के स्कूल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्कूल्स चलाती हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, तिब्बती विद्यालय है, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है कि बिल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का है, टीचर की सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और उसके बाद में सारा रेगुलेशन और कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय। ठीक है, नवोदय विद्यालय वो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट, चूँकि एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में होने से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही उसके ऊपर रेगुलेशन बनाने का राइट है। तो मेरा एज सच जो कंट्रीब्यूशन है, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स और पॉलिसीज़ वगैरह था तो उससे मैं एसोसिएट था। एक मैंने आपको बताया मिड डे मील मध्यान्ह भोजन योजना, दूसरा था इसके अंदर SSA सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया बाद में 2009 में। सर्व शिक्षा अभियान में ये पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के लिए अप्लीकेबल है और इसमें मतलब जहाँ पर स्कूल नहीं है वहाँ पे स्कूल देना, टीचर का सैलरी देना, स्कूल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, लाइब्रेरी है, उसके लिए प्लेग्राउंड डेवलपमेंट के लिए, यदि मान लीजिए स्कूल के अपग्रेडेशन के लिए प्राइमरी तक स्कूल है तो उसको एलिमेंट्री तक अपग्रेड करना, तो इस हिसाब से सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। और इसके मेन तीन ऑब्जेक्टिव थे सर्व शिक्षा अभियान के, कि एक्सेस, इक्विटी, ओके, कि बच्चा स्कूल आए और स्कूल में उसका रिटेंशन हो और उसका स्टडी कंप्लीट हो अप टू 14 इयर्स ऑफ एज, क्लास फर्स्ट टू 8। आता है RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो क्लास 9 और 10 के लिए अप्लीकेबल है, वो योजना बनाई, उस योजना से भी मैं एसोसिएट था। उसके बाद में आता है वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो स्ट्रीम्स है आर्ट्स कॉमर्स साइंस और एक वोकेशनल स्ट्रीम भी है, तो वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इसका आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये भी अब तो एक सेपरेट मिनिस्ट्री बन गया है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में है और बहुत सारे स्टेट के अंदर भी इसका सेपरेट, स्टेट गवर्नमेंट अपना सेपरेट स्कीम और प्रोग्राम चला रहा है। उसके बाद में कुछ केरला वगैरह में है तो वहाँ पर वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी सेटअप किया है उन्होंने,
तो इस प्रकार से डिफरेंट सेक्टर में, स्पेशली स्कूल एजुकेशन सेक्टर, यूनिवर्सिटी सेक्टर में मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कई लोगों की आजकल धारणा है कि प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? जैसे अभी मैंने बताया, हमारे यहाँ जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है इंडिया के अंदर, उसका जो स्ट्रक्चर है, तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्कूल्स हैं। केंद्रीय विद्यालय के स्कूल हो गए, फिर स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हो गए, फिर हमारे हो गए प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट में भी दो प्रकार के स्कूल होते हैं, एक एडेड स्कूल होते हैं, एक अनएडेड स्कूल होते हैं। एडेड स्कूल वो होते हैं जो कि किसी न किसी गवर्नमेंट से फाइनेंशियल असिस्टेंस स्पेशली फॉर टीचर सैलरी के लिए ले रहे होते हैं, ओके। दूसरे स्कूल वो होते हैं कि यहाँ पर जो स्कूल्स हैं एडेड स्कूल, स्कूल बिल्डिंग लैंड वगैरह जो है प्राइवेट पार्टी का होता है, जो एक सोसाइटी बनाते हैं, स्कूल सेटअप करते हैं, लेकिन वो टीचर सैलरी किसी गवर्नमेंट से ले रहे हैं, तो उन्हें एडेड स्कूल कहते हैं। दूसरे स्कूल होते हैं हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल टोटली, जिनकी आप बात कर रही हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स इंडिपेंडेंट बॉडी के होते हैं, लैंड बिल्डिंग टीचर सैलरी वगैरह सारा चूँकि एक्सपेंसेस वो खुद बियर करते हैं, ओके। लेकिन उनका भी अफिलिएशन किसी न किसी बोर्ड से होता है, यूजुअली CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड से उनका अफिलिएशन होता है। तो जो भी बोर्ड के या गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, जैसे RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके जो प्रोविज़न है वो उनके ऊपर भी अप्लीकेबल होता है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल को प्रीफर क्यों करते हैं? तो चूँकि इसका एक तो क्या होता है, कॉस्मेटिक लुक है कि आपको प्राइवेट स्कूल का बिल्डिंग डिफरेंट दिखेगा, सरकारी स्कूल का बिल्डिंग डिफरेंट दिखेगा, है ना। प्राइवेट स्कूल का बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल नीट क्लीन और ये है, गवर्नमेंट स्कूल के बिल्डिंग भी नीट क्लीन है, इवन स्पेसियस ज़्यादा है प्राइवेट स्कूल से। लेकिन जनरल इम्प्रेशन मतलब ये, चूँकि गवर्नमेंट स्कूल में जो पॉपुलर कंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, जबकि जो रिजल्ट आए हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय है, जो केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट आता है वो प्राइवेट स्कूल से बेटर रिजल्ट आया है, CBSE पास परसेंटेज वगैरह इससे बेटर। नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से बेटर आया है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स क्यों चाहते हैं कि बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में जाए? प्राइवेट स्कूल में जाए उसका रीज़न एक तो ये है कि बच्चा एटलिस्ट नहीं, कुछ तो अंग्रेजी स्पोकन उसका अच्छा हो जाएगा, वहाँ जाए उसके बाद में वो बिल्डिंग से अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद में प्राइवेट स्कूल में ये है कि दूसरा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह ये वो अलग जो डिफरेंट चलती हैं, उसलिए उसके बाद ये एक मतलब धारणा है, एक सोशल स्टेटस भी है कि पेरेंट की मेरा बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ रहा है तो उनके लिए एक सोशल स्टेटस की बात है। तो इसलिए बाकी ऐसा एज सच, जहाँ तक टीचर की बात है, प्राइवेट स्कूल का टीचर एंड गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, तो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर इन कंपैरिजन टू प्राइवेट स्कूल टीचर ही इज़ द बेटर, बिकॉज ही इज़ वेल क्वालिफाइड एंड ही इज़ बीन रिक्रूटेड आफ्टर ए टफ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, है ना। क्योंकि यदि किसी प्राइवेट स्कूल, हाईफाई प्राइवेट स्कूल का टीचर भी है और उसको गवर्नमेंट स्कूल में जॉब मिलेगा तो तुरंत वो क्विट कर देगा प्राइवेट स्कूल से और गवर्नमेंट स्कूल में आ जाएगा, सैलरी बेटर है, सर्विस कंडीशंस बेटर है गवर्नमेंट स्कूल में। तो जो गवर्नमेंट, अब ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर से उतना वर्क नहीं करवाया जाता, उसके रीजन है कि लीडरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल जो होता है उसकी लीडरशिप के ऊपर स्कूल का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। जैसे मोतीबाग में प्राइवेट ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दो तीन, मोतीबाग दिल्ली के अंदर, कभी यहाँ से पहले 10 बच्चे CBSE के जो टॉपर हैं वो उस स्कूल से आते थे। उस पे जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि वहाँ जो प्रिंसिपल थे, जब तक वो 4-5 साल रहे, वो बड़े स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल थे, टीचर क्लास में पहुँचा नहीं पहुँचा, टाइम पे क्लास हो रही नहीं हो रही, सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं हो रहा, वो पूरा चेक रखते थे, पूरा सुपरविज़न रखते थे, उनका एकेडमिक सुपरविज़न काफ़ी टाइट था, तो इसलिए स्कूल का परफॉर्मेंस अच्छा था। तो मेन इसमें ये है कि लीडरशिप भी बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें,
लीडरशिप और गवर्नमेंट को चाहिए कि लीडरशिप अपना जो है उसको ट्रेनिंग दे और लीडर्स मतलब गुड क्वालिटी लीडर्स दे कैन प्रिपेयर. यस. मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि जो छोटे तबके की फैमिलीज़ होती हैं तो उनका ये सोचना होता है कि उनके बच्चे स्कूल ना जाकर उनकी मदद करें, उनके साथ काम करने जाएं ताकि उनका इनकम ज़्यादा बेहतर हो सके. तो आपको क्या लगता है कि ये सोच जो उनकी है ये बेहतर है या उन्हें कोई ऐसी सलाह देनी चाहिए जो उनके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बना सके? इसमें इस प्रकार के पेरेंट्स जिनकी आमदनी कम है, जो अपना दो समय का रोजी रोटी भी नहीं चला सकते हैं, जो अपना मकान का या एक कमरे का किराया भी नहीं दे सकते हैं और उनके पास दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं, तो जो बड़ा बच्चा होता है उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो कि यदि वो काम पे जा रहे हैं तो वो छोटे बच्चों को लुक आफ्टर करें. ओके. और ये सोशल रीजन हो गया. और यदि वो बड़ा हो गया है, बच्चा काम कर सकता है, तो वो चाहते हैं कि वो भी कुछ काम करके पर डे कुछ पैसा अर्निंग करे ताकि वो फैमिली को सपोर्ट कर सकता, इकोनॉमिक सपोर्ट कर सकता. तो सोशो इकोनॉमिक रीजन्स हैं, इसलिए जो है वो पेरेंट्स इंस्टीड ऑफ टू सेंडिंग स्कूल दे वुड लाइक टू गो टू वर्क ताकि छोटे बच्चों को संभालें या कुछ अपना पैसा कमा लें. वो ये मेन फैक्टर है. लेकिन अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएँ, स्कॉलरशिप स्कीम चलाई है, पेंशन स्कीम चलाई है, जिससे गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, उन्हें इनक्रेज कर रही है कि भाई आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजिए. यदि आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे और अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो एटलीस्ट आपकी पॉवर्टी दूर हो जाएगी. जो आजकल राजनीतिक घोषणा पत्र बनाए जाते हैं उसमें शिक्षा पे जोर ना देकर लोक लुभावन वादों पे ज़्यादा अहमियत दी जाती है. तो आपको क्या लगता है भारत के भविष्य को लेकर आपकी क्या धारणा है इस पे? Okay, जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बनाए जाते हैं वो मतलब इस दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जब भी इलेक्शन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैच कैसे कर सकते हैं वो. अच्छा. चूँकि इसलिए उसमें एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस न देते हुए, इससे तो गवर्नमेंट एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देती है लेकिन कंपैरेटिवली जो दूसरी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना है, जैसे मान लीजिए कि किसानों के लिए पेंशन योजना हो गई या छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना हो गई, मतलब जो उनको तात्कालिक फ़ायदे दिखते हैं, तात्कालिक बेनिफिट दिखते हैं, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिल सकता है, जिससे कि वो उसको उसके माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और वोट ले सकते हैं, तो उन चीज़ों को वो अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं. अब एजुकेशन, इन फैक्ट कि एजुकेशन का सबसे ज़्यादा महत्व है. यदि एक बच्चा घर में पढ़ जाता है, एक बेटी घर में पढ़ जाती है, तो पूरा फैमिली जो है उसका सिनेरियो चेंज हो जाता है, सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो उसका चेंज हो जाता है. लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है कि इलेक्शन विन करना. ओके. इलेक्शन विन करके सत्ता में आना, तो सत्ता में आने के लिए वो इस प्रकार के वादे करते हैं जिससे कि वोटर के माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा सके. और इस प्रकार के वादे वो इसी बेस पे कर सकते हैं कि आपको हम तत्काल बेनिफिट दे रहे हैं, जैसे कि साउथ में आपने सुना होगा कि मंगल सूत्र देंगे. अच्छा. है ना, दहेज में आपको गाय देंगे, 51,000 रुपया आपकी बेटी की शादी के लिए देंगे, शादी का पूरा सामान देंगे आपको, है ना. उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि कुछ ये भी चला है कि आपको झुमकी वगैरह वाले या शादी के लिए जो भी मिनिमम ज्वेलरी होती है वो चीज़ें देंगे, तो ये वोटर को मतलब अट्रैक्ट करती है. जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इस प्रकार के वादे करते हैं तो उनका ये एक्सपेक्टेशन होता है कि हम ज़्यादा इस बेस पे ज़्यादा वोट ले सकते हैं. और चूँकि हमारे कंट्री के अंदर आप देखेंगे कि वोट परसेंटेज जो होता है, मतलब ओवरऑल इंडिया में यदि लोकसभा का इलेक्शन हो रहा तो जो वोट परसेंटेज ओवरऑल निकालते हैं वो 60, 62, 65 तक वोट होता है. मतलब कि कम से कम 38, 40 या 35% लोग वोट डालने ही नहीं जाते हैं. तो वोट डालने कौन लोग जाते हैं, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है. ओके. तो वो उस चीज़ को ध्यान में रख के उस प्रकार के वादे अपने मैनिफेस्टो में करते हैं. और एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए. लेकिन अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि एजुकेशन किन का रिक्वायरमेंट है. Exactly. हमारे यहाँ एजुकेशन रिक्वायरमेंट किन का है? एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या इवन की जो फॉरवर्ड क्लासेस हैं उनके अंदर भी इस प्रकार के लोग हैं जहाँ पे पॉवर्टी है, अशिक्षा है. ओके. तो वो थोड़ा सा मतलब
इस प्रकार का पॉपुलेशन है जो कि जिसके ऊपर उतना इम्पोर्टेंस, जिसका उतना इम्पोर्टेंस, मतलब वो मजबूत ग्रुप पॉपुलेशन का नहीं है, क्योंकि जो फाइनेंशियली वेल ऑफ है, एजुकेशनली वेल ऑफ है, पॉलिटिकली वेल ऑफ है, तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और वो जो ग्रुप है वो तो अपना वोट कास्ट करता ही नहीं है, इसलिए 60-62% वोटिंग होता है, क्योंकि वोट इनसे आते हैं, इलेक्शन इन्हीं बेस पे जीता जा सकता है, इसलिए इनको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, उस प्रकार के वादे किए जाते हैं, तो थोड़ा एजुकेशन जो है वो साइड लाइन हो जाता है, क्योंकि एजुकेशन से तत्काल फ़ायदा नहीं होगा। यदि एजुकेशन के लिए कोई कमिटमेंट करती है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो बच्चा टेंथ करेगा, ट्वेल्थ करेगा, उसके बाद में ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद में कुछ ट्रेनिंग लेगा या कुछ करेगा। अब जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री में किसी को टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए उसे ग्रेजुएशन करना है, बीएड करना है, फिर उसको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो टेस्ट क्वालिफाई करना है। ये क्वालिफाई करने के लिए वो टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो गया, टीचर बना नहीं है, वो एलिजिबल हो गया। अब जब कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी निकालती है, एडवर्टाइजमेंट देती है, तो अब वो ही कैन अप्लाई, वो अप्लाई कर सकता है। वो अप्लाई करने के बाद में रिटर्न टेस्ट देगा, फिर कुछ इंटरव्यू भी देगा, उसके बाद में जाके उसका अपॉइंटमेंट होगा और वो टीचर बनेगा। तो एजुकेशन क्या एक लंबा प्रोसेस है, जिसके अंदर कम से कम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, 12-13-15 साल का पीरियड है, तो कोई भी पॉलिटिकल नहीं चाहेगी कि इस प्रकार का कौन सा वादा किया जाए। और जहाँ तक रही बात कि पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार के वादे कर सकती है कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, अब जैसे गवर्नमेंट ने किया कि 25% कोटा बीपीएल के लिए, ये वादा भी किया है गवर्नमेंट ने कि भाई 25% सीट्स जो है, लेकिन वो 25% सीट्स केवल इंट्री लेवल पे है, है ना। एक बार जहाँ एडमिशन हो रहा है वहाँ पर 2500 सीट है, तो 25 सीट जो है पुअर पीपल के लिए, ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए आपको रिजर्व करना है जी। तो ये इस प्रकार के वादे भी गवर्नमेंट करती हैं, जिससे कि उनके माइंड को इन्फ्लुएंस किया जाए, क्या था कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाए। अब वो एक डिफरेंट कहानी है कि प्राइवेट स्कूल उन बच्चों को किस प्रकार से ट्रीटमेंट देता है, उनके साथ किस प्रकार से बिहेव करता है, वो क्या करता है, या तो आफ्टर स्कूल आवर्स, आफ्टरनून के बाद में उन बच्चों को बिठा के फिर उनको पढ़ाते हैं, या उन बच्चों का आइसोलेटेड ग्रुप बना देते हैं। जबकि स्कीम का मतलब इंटेंशन ये है कि बच्चों का इंटीग्रेशन किया जाए, जो वेल ऑफ बच्चे हैं और जो पुअर बच्चे हैं, दोनों का इंटीग्रेशन किया जाए। ओके, तो मेन रीजन यही है कि वोट कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार की बातों से वोट मिलेगा, किस प्रकार की बातों से माइंड को, वोटर के माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उसी प्रकार के वादे मैनिफेस्टो के अंदर किए जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपसे आज हमें शिक्षा के बारे में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए बने रहें NBC न्यूज हिंदी के साथ। धन्यवाद। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।